तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनय और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल विनय जी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वीडियोस पर आउट्रो लगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आउट्रो जो है हम उसको एंड स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। एंड स्क्रीन सेटिंग करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंड स्क्रीन के फायदे क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हमको अपनी वीडियोस पर एंड स्क्रीन लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारी वीडियो कोई लास्ट तक वीडियो को देखेगा तो हमारी जो अदर वीडियोस हैं, पुरानी वीडियोस, उसको सजेस्ट हो जाएंगी लास्ट में, जिससे कि हमारा व्यूज बढ़ेगा और उससे वॉच टाइम बढ़ेगा, जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। और फ्रेंड, इसका और भी एक फायदा है, जो हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे चैनल की अर्निंग भी बढ़ सकती है। अब देखिए, अर्निंग कैसे बढ़ेगी, जब हमारी वीडियो कोई लास्ट तक देखेगा और लास्ट में जब देखेगा तो उसको जब लास्ट में हमारी वीडियो पहुंचेगी सजेस्ट में, तो उसको जब वो क्लिक करेगा तो फ्रेंड्स उसके आगे और वीडियो जब ओपन होगी तो स्टार्टिंग में उसको एड दिखेंगे, और जब एड दिखेंगे तो हमारे चैनल की अर्निंग बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा फायदा है एंड स्क्रीन सेटिंग को अपने वीडियोस पर लगाने से। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने वीडियोस पर आई बटन सेटिंग को करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझको भी फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में वेब ब्राउज़र कोई भी ओपन करना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम youtube.com सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप साइट कर देंगे। फ्रेंड्स, डेस्कटॉप साइट हो जाने के बाद हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे और यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। यूट्यूब स्टूडियो ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने लेफ़्ट साइड में जो है ऑप्शंस में वीडियो पे क्लिक करेंगे। देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए एकदम। मैं वीडियोस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैं वीडियो सिलेक्ट करूँगा, जिस पे भी मुझको एंड स्क्रीन सेटिंग लगानी होगी मैं उस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं ये फिफ्थ नंबर वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा, ओपन कर दूँगा। उसके बाद मैं जो है राइट साइड में थोड़ा कर देता हूँ स्लाइड, जूम कर रखा है मैंने। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर एंड स्क्रीन का ऑप्शन, एंड स्क्रीन को ओपन कर लेंगे हम। उसके बाद फ्रेंड्स, हमको इसको जहाँ सेट करना होगा वहाँ पे हम इसको थोड़ा टाइमिंग पे सेट करेंगे। उसके बाद अपने एलिमेंट को चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं मुझे, चार एलिमेंट आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो मैं एक ये लगा लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट। उसके बाद मैं इसको सेट कर दूँगा कि मुझको इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कि मतलब ये जो है एंड स्क्रीन जो ऑप्शन आए वो कहाँ से शो हो जाए मेरी वीडियोज़ पर। तो मैं इसको सेट कर दूँगा। टाइम सेटिंग करने के बाद हम अपनी वीडियोज़ को किस जगह पे दिखाना है उसको सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है सेव पर क्लिक कर देंगे और हमारी वीडियोस पे जो एंड स्क्रीन सेटिंग लग जाएगी। उसके बाद हम जो है यूट्यूब स्टूडियो पे बैक जाएंगे। इतनी सेटिंग करने के बाद हम बैक हो जाएंगे और हम अपना जो है यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे और अपनी हम उसी वीडियो को जो है प्ले करेंगे जिस पे मैंने एंड स्क्रीन की सेटिंग कर रखी है। तो मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ और उस वीडियो को ओपन प्ले करता हूँ। जैसे ये था, फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करें, इसको मैं ओपन करूँगा। वीडियो ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, हम थोड़ा इस वीडियो को स्किप कर देंगे, एकदम लास्ट में ले जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हम अपने फेसबुक अकाउंट को कितनी आसानी से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मेरे वीडियोस में लास्ट में एंड स्क्रीन का जो है ऑप्शन आया था। फ्रेंड्स, इतनी मज़ेदार सेटिंग के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कैसे हम एंड स्क्रीन सेटिंग को अपने वीडियोस पर लगा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप भी अपनी हर वीडियोस पर एंड स्क्रीन सेटिंग को लगाएं, जिससे कि आपके व्यूज और वॉच टाइम बढ़ेगा, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर से याद आया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, घंटे को जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।